हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ यूनिक सा बनाने जा रहे हैं। तो हम वो आज यहाँ पे तो बना नहीं सकते, तो ये तो मेरा घर है। तो हम जा रहे हैं अभी फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जाके हमारा वीडियो चालू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि हम वो काम वहाँ पर नहीं कर सकते, तो हम अभी अपनी फैक्ट्री पर आ चुके हैं। तो अभी फैक्ट्री पे हम आ चुके हैं, तो हम पूजा वूजा कर लेते हैं, थोड़ी सी सफाई वफाई कर लेते हैं, फिर वीडियो को चालू करते हैं। ये चीज़ किसके बारे में होगी, क्या होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए आप हमारे। तो जैसे कि ऑफिस है मेरा, फिर चालू कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा स्विच चालू हो चुका है, ये मशीन है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है, किसके बारे में नहीं है। स्विच चालू कर लेता हूँ मैं। पता नहीं, आई थिंक लाइट चली गई है, तो चालू नहीं हो पा रहा है। तो वीडियो पे बने रहिए हमारे, तो हम आपको आगे दिखाएंगे क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, कैसे क्या वर्क होगा ये। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने बोला था, बट लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा चूहों ने अपना कमाल दिखाया था, तो वो थोड़ा सा यहाँ से पाइप निकल गया था, और ये तो मैंने अभी ठीक कर लिया है। यहाँ से वाइट लाइट और ये दोनों की वायर काट ली थी, देखो पानी भी आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा। तो ये हमारा आज का जॉब है, देख सकते हो आप। तो ये मशीन कैसे ऑपरेट होगी मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। तो ये कुछ जॉब इस प्रकार का है, मैंने ऑलरेडी बना लिया था कल रात को, तो आपको दिखा लेता हूँ मैं। तो भी एक बार ये है जो बेड का है, आप देख सकते हो। ये जो है बेड का डिज़ाइन है, तो कैसे क्या किया था मैंने, तो मैं आपको फिटिंग विटिंग कैसे करते हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको। आपको पहले मशीन को होम पे लेके आना है, जैसे कि ये मैंने बैक टू रेफर मशीन को होम पे ला रहा हूँ। ये मशीन होमिंग पे आ रही है, देख लो, ये मशीन होम पे आ गई है। ये सेंसर यहाँ आके रुक गया है, ये मशीन होम पे आ गई है। तो हम क्या करेंगे अभी, जैसे कि कैमरे को रख लेते हैं पहले, थोड़ा सा मैंने कैमरे को फिटिंग कर दिया। तो जैसे कि हम पहले इसको लाइन को मिलाएंगे, जैसे मटेरियल है तो एक लाइन मिलाना पड़ेगा हमको। तो हम पहले मटेरियल को एक लाइन में लेके आ जाते हैं। तो पहले फर्स्ट इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने से होगा क्या कि ये यहाँ से हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं आप पूरी लाइन मिला सकते हैं इसकी। तो हम इसको पहले चलो रिमोट को ही बता देते हैं हम आपको पहले। चलो जैसा कि आप रिमोट को देख सकते हैं, तो मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे क्या होगा करके। तो फर्स्ट तो हमें पहले इसको अपने मार्किंग पे लाना है। तो मार्किंग पे लाने के लिए आपको एक्स का यूज़ करना पड़ेगा। आपको राइट जाना है तो एक्स का यूज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट जाना है तो एक्स माइनस का यूज़ करना पड़ेगा, और आगे जाना है तो वाई प्लस का यूज़ करना पड़ेगा, और अंदर आना है तो वाई माइनस का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से रिमोट कुछ इस प्रकार से यूज़ होता है, देख सकते हो। ये वाई से आगे जाता है, प्लस से राइट में आता है, एक्स प्लस से राइट में आता है, एक्स माइनस से लेफ्ट में जाता है, और वाई से डाउन में आता है, ठीक है। तो स्पिनर को हम नीचे लाएंगे, तो नीचे कैसे लाएंगे, हमें नीचे लाने के लिए इसको जेड माइनस, तो हर रिमोट की अलग अलग कहानी होती है, तो हमें जेड माइनस पहले इसको नीचे लाना है। तो ये जेड माइनस है, तो मैं इसे जेड माइनस करूँगा तो ये नीचे आएगा। चलो ये नीचे आ गया है, तो हम इस प्रकार कुछ अपनी लाइन मिला लेंगे। तो मैं अभी लाइन मिला लेता हूँ। चलो अब मैं है जो इसको एक्स वाई पोजिशन पे सेट कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ से मटेरियल की शुरुआत करनी है, तो मैं एक्स वाई पे मैंने कर लिया, एक्स वाई पे करके मैंने इसको लाइन मिलानी है। तो कैसे लाइन मिलाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। वाई को सीधे सीधे लेके जाना है और मटेरियल को एक ही लाइन में रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो ये मशीन हमारी जा रही है, आप देख सकते हैं।
ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, टच हो रहा है मटेरियल को। ऊपर करने के बाद वापस तो आप देख सकते हैं ये जा रही है। तो मशीन हमारे एंड तक चली गई है, तो अभी हम वहाँ जाके इसको लाइन से लाइन टच कराएंगे। तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ लाइन से लाइन कैसे टच कराते हैं एंड कैसे फिटिंग करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये लाइन अब मिला ली है, एक बार चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं है। आई थिंक होनी चाहिए सही, फिर क्या पता। तो अब है जो मैं रिमोट पे लेके आ जाता हूँ वापस। अब देख सकते हैं रिमोट, तो हमें इसको भी चेक करना है। कैसे चेक करना है, जैसे कि ये है, मैं नेक्स्ट वाला ले लिया और 0-0 पोजीशन पे लेके आ गया। स्टेप डाउन में जाना है मटेरियल के, जैसे कि हम 8 mm कर रहे हैं अपनी नक्सी, तो 8 mm के ऊपर होना चाहिए। तो 8 mm के ऊपर तक आप लेके आके Z0 करके 0-0 पोजीशन करके मशीन को प्ले कर दीजिए। मशीन प्ले होगा, देख सकते हैं आप। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं हम। देखो मशीन है जो बता रहा है कि आप यहाँ से मटेरियल की आपकी शुरुआत होगी। जैसे जैसे और हम जूम करते हुए दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार देख सकते हैं, तो जैसे कि हमारी परफेक्टली लाइन मिल चुकी है। तो मशीन को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद इसके 0-0 पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। 0-0 पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। यह है जो हमारी पोजीशन पे आ चुकी है, ये हमारा एक्स वाई एरिया है। ये हमारा एक्स वाई एरिया, आप देख सकते हो ये हमारा एक्स वाई एरिया है। तो मैंने कवर कर लिया एक्स वाई एरिया। तो अभी हम इसको 0-0 कर लेते हैं। 0-0 करने के बाद इसको मटेरियल पे ले जाके टच कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मटेरियल पे टच हो गया। टच होने के बाद इसको शिफ्ट और जेड दबा के Z0 करना है। तो ये हमें कर लिया। फिर 0-0 पोजिशन में लाना है। पोजीशन पे लाने के बाद हमको मशीन को स्टार्ट कर लेना है। जैसे कि मशीन स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो आप। तो अब ये यहाँ से वर्क शुरू करें, अपना काम शुरू कर लिया है। जॉब अपना निकालेगी 2.5 घंटे से, तो 2.5 घंटे तक हम फ्री है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मैं और भी ऐसी नई वीडियोस ला सकूं एंड आपको बता सकूं CNC का वर्क कैसे होता है, क्या होता है। थैंक यू।